देखिए, मैंने आपको बताया था इसमें जैसे कि हम कोई भी पेज बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं। अब आप लोग जैसे वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हमारी अलग अलग सर्विसेज हो सकती हैं। जैसे सपोज मैं कोई एक वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब जैसे ये आईटी सपोर्ट वाले एक वेबसाइट है, इस पर अगर हम गए यहाँ पे सर्विसेज वाले पेज में, तो आपको अलग अलग टाइप की सर्विस दिख रही हैं। अब ये सीआरएम की सर्विस भी दे रहा है, एसईओ और एसएमओ की भी दे रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट का भी हो गया, ईमेल मार्केटिंग का भी हो गया। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने टाइप की सर्विस दे रहे हो, और हर अगर सर्विस में आपके मतलब वेरिएशन है, मतलब हर सब्जी सर्विस आपकी अलग अलग टाइप की है, तो आपको उतने ही टाइप के पेजेस बनाने हैं। जैसे एचआरएम और सीआरएम, ये मेरे दोनों अलग अलग सर्विस है, दोनों का कोई भी रिलेवेंसी नहीं है। तो मैंने एक पेज सीआरएम का बनाया और एक पेज मैंने एसआरएम का बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। आप जितना ज्यादा उसको मर्ज करने की कोशिश करोगे, उतना ही हमारे लिए टफ हो जाएगा एसईओ करना। तो आप नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाएं, और नंबर ऑफ पेज हमें तब बढ़ाने हैं जब हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरे पास एसईओ और सोशल मीडिया दोनों अलग अलग सर्विस हो गई। तो मैंने एसईओ या सोशल मीडिया या फिर एसईओ और वेबसाइट डेवलपमेंट, तो जब मैं वेबसाइट डेवलपमेंट वाले पेज पे जा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे यूआरएल हमारी चेंज हो गई। अब मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कि हर पेज का अपना टाइटल होता है, हर पेज का अपना मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, हर पेज को इंडिविजुअली आपको मैनेज करना है। तो अब वेबसाइट डेवलपमेंट वाले कीवर्ड को जब कोई सर्च करता है, सपोज जैसे ये इंदौर में सर्विस दे रहा है और ये चाह रहा है कि जैसे कोई सर्च करे वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी या डेवलपमेंट कंपनी इन इंदौर, तो उसका कौन सा वाला पेज इसका रैंक करेगा गूगल पे? सिर्फ ये वाला, दूसरे पेज गूगल नहीं लाएगा। तो जिस पेज पे आप कीवर्ड लगाते हैं, जिस पेज को आप मैनेज करते हैं, उसमें वही पेज आपका गूगल पे यहाँ पे आता है। तो उसके लिए हमें पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि लोग इसको कैसे सर्च कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड लगाएं हम। तो उसकी कुछ टेक्निक मैंने आपको लिखवाई थी कि हम कैसे पता करेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या और कैसे सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहले आपको एक कीवर्ड खुद से बनाना पड़ेगा, जिस उस कीवर्ड से हम टूल वगैरह की हेल्प लेके बाकी कीवर्ड का पता कर लेते हैं। जैसे सपोज हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं इंदौर के अंदर या मुंबई के अंदर, तो मैंने क्या किया, मेरा रूट वर्ड क्या है यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ मैंने लिख दिया इसमें डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग। अब हम सर्विस दे रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो मैंने अपने मन से यहाँ पे एक सर्विस लिख दिया, सर्विसेस। कहाँ दे रहे हैं, इंदौर में दे रहे हैं या मुंबई में दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे मुंबई लिख दिया। अब इस एक कीवर्ड से मैं बाकी कीवर्ड पता लगाऊंगा कि एक्चुअली लोग कैसे सर्च कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भाई, यूजिंग गूगल ऑटो कंप्लीट, पहली टेक्निक, कुछ भी नहीं करना है आपको, गूगल के सर्च इंजन पे जाना है और यहाँ पे अपने उस कीवर्ड को टाइप करना, तो वो आपको कुछ सजेशन देगा। देखिए, ये रेकमेंड कर रहा है आपको, ये वो कीवर्ड हैं जो लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं और एज इट इज सर्च कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अंधेरी, डिजिटल मार्केट एजेंसी नवी मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। तो ये डायरेक्टली आप इन कीवर्ड्स को ले सकते हो अगर ये आपके रिलेवेंट हैं और अगर आपको उससे एक जेन्युइन कस्टमर मिल सकता है तो। तो इसको बोलते हैं हम गूगल ऑटो कम्प्लीट। फिर हाईलाइटेड सर्चेस मैंने आपको बताया दूसरे पॉइंट में, तो आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जाना है। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ रिलेटेड सर्च बता रहा है, ये कीवर्ड वो है कि आपने जो सर्च किया है उससे रिलेटेड लोग ये भी सर्च कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड उसने आपको डायरेक्टली बता दिए। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, आवाज थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो गया, अब क्लियर आ रही। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, बाय यूजिंग एसईआरपी सर्चेस। एसईआरपी सर्चेस मतलब देखो, बिजनेस चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सबसे पहले हमें अपने कॉम्पिटिटर को साथ में लेके चलना होता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है हाँ उसका जो कीवर्ड वो यूज कर रहा है वो कीवर्ड हमारे पास होना चाहिए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि लोग हमारे बारे में क्या और कैसे सर्च कर रहे हैं, मतलब हमारा जो कॉम्पिटिटर, तो उसकी वेबसाइट देखो। अब मैंने यहाँ कीवर्ड सर्च किया, अब ये तो क्लियर है हमारा वेबसाइट तो आएगा नहीं, जिसका भी आएगा वो हमारे कॉम्पिटिटर है। तो हम क्या करेंगे, इनके टाइटल में कौन से कीवर्ड इन्हें लगाए, इन्होंने कौन से मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज किए, तो डायरेक्टली हम इसमें से भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। जैसे इसमें मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, इसने कीवर्ड लगाया डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन मुंबई, इसने लगाया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन मुंबई, डिजिटल एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड कंपनी इन अंधेरी, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से भी कीवर्ड दिख जाते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ नेचुरल टेक्निक है जिससे आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड निकल जाएंगे, बाकी हम हमने टूल्स की हेल्प लेनी है।
तो टूल की हेल्प लेने के लिए जैसे गूगल का एक टूल है, सबसे पहले तो गूगल कीवर्ड प्लानर, आपको क्या करना है गूगल कीवर्ड्स और प्लानर ये करके सर्च करना है इसको। सर 2 मिनट मुझे कॉल आ रहा है अर्जेंट, मैं 2 मिनट से आप लोगों को जी। देखिए इसमें आपको गूगल कीवर्ड प्लानर करके सर्च करना है और यहाँ पे ये इसकी ऑफिशियल साइट जो है चूज राइट कीवर्ड टू यूज गूगल एड्स, इस पे आप विजिट कर जाना। तो गूगल कीवर्ड प्लानर जो है ये गूगल एड्स का ही एक पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे फ्री और पेड दो टाइप की मार्केटिंग होती है। तो पेड मार्केटिंग करने के लिए जो गूगल ने टूल बनाया उसको बोलते हैं गूगल एड्स, और कीवर्ड प्लानर उसका एक पार्ट है। अभी हम डायरेक्टली कीवर्ड प्लानर यूज कर रहे हैं इसमें। तो आप सिंपली आए और यहां से लॉगिन कर ले अपनी जीमेल आईडी से इसको। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए अच्छा, जैसे अभी आप लोग फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो मेरा इसमें ऑलरेडी सेटअप है और अकाउंट भी नहीं है, मैं आपको दूसरी आईडी से बताता हूँ उसमें। गूगल कीवर्ड्स प्लानर, ये गूगल प्लानर तो परचेज वाला है ना? नहीं सर, फ्री है। कीवर्ड प्लानर जो है वो आप फ्री का फ्री में यूज कर सकते हैं इसका। अच्छा अच्छा। तो आप लोगों को जो स्टार्टिंग करना है वो यहाँ से करना, सबसे पहले इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा लॉग इन करने के बाद, जहाँ लिखा हुआ न्यू गूगल एड्स अकाउंट, तो इस पर आप क्लिक करना पहले। ये जरूर ध्यान रखना आप, क्योंकि ये एक्सप्रेस मोड और एक्सपर्ट मोड दो बोर्ड में चलता है, और कीवर्ड प्लानर जो है वो इसका एक्सपर्ट मोड में सपोर्ट करेगा। ओके आप डायरेक्टली चले जाओगे तो आपको बिलिंग पे लेके जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। डायरेक्ट नेक्स्ट मत करने का, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। उसके बाद यहाँ हमें कहीं भी क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, इस पे क्लिक कीजिएगा। Then submit. देखिए explore your account, इस पर क्लिक किया तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखा रहा है। अभी हमें वहां सब नहीं जाना है, अभी हमें सिर्फ कीवर्ड प्लानर्स का यूज करना है, जो आपको मिलेगा अपना सेटअप होने के बाद टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर। टूल्स एंड सेटिंग्स में आपको जाना है प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर।
तो इस तरीके से वो आपको ऑप्शन देगा। तो बस जो मैं जो आपको बताना था वो ये था कि आप तो इस पर न्यू अकाउंट बनाओगे पहले, तब ये वर्क करेगा। आप डायरेक्टली मत जाइएगा, सबसे पहले इसको स्विच टू एक्सपर्ट मोड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट विदाउट कैंपेन, उसके बाद आपको वो ऑप्शन देगा। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अगर आप हिस्टोरिकल डाटा या हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे, मतलब न्यू इन्वेंशन है, आगे चल के कितना सर्च होगा वो 100 साल बाद 500 साल बाद, तो आपको ये सेकंड ऑप्शन लेना है। और अगर अभी हम ऑनगोइंग मार्केट में हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, अभी चल ही रहा है मार्केट इसका, तो फिर आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे काम का है इसमें, इस पर हमने क्लिक किया। अब आपको जिस कीवर्ड से रिलेटेड आपको कीवर्ड चाहिए तो एक रफ कीवर्ड आपको उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मुझे पता लगाना है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मुंबई से रिलेटेड तो क्या सर्च कर रहे हैं, तो एक रफ कीवर्ड आपको यहाँ पे इसको देना पड़ेगा। एक से ज्यादा भी आप दे सकते हैं। ओके, एक प्लस पॉइंट और है कि मैं किसी की वेबसाइट को भी स्कैन करवा सकता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखा कि जब हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो ये वेबसाइट सबसे टॉप पे आ रही है, आप इसका होम यूआरएल कॉपी कर लो और सिर्फ इसकी होम यूआरएल आप दे दो, तो वो उस वेबसाइट को इस वेबसाइट को वो स्कैन करके आपको बता देगा पूरा किसको लोग कैसे सर्च कर रहे हैं, क्या क्या कीवर्ड करके सर्च कर रहे हैं। गेट रिजल्ट, सबसे पहले उसने वो कीवर्ड बताया जो आपने दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडो, फिर उसने उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन मुंबई, तो काफी सारे कीवर्ड वो आपको दे रहा है। प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि उसकी सर्चिंग भी आपको बता रहा है कि एवरेज मंथली सर्चेज उसका कितना है और कॉम्पिटिशन उसका कितना है। अब एवरेज मंथली सर्चेज और कॉम्पिटिशन में क्या डिफरेंस है, मंथली सर्चेज मतलब कि कितना नंबर ऑफ अमाउंट उसको सर्च किया जा रहा है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई इसको मंथ 1,000 से 10,000 बार सर्च किया जा रहा है एक महीने में इस कीवर्ड को, और उसका जो कंपटीशन लेवल है वो मीडियम है। हाँ मंथली लिखा है ना, वो मंथली सर्चेज हर महीने ये इतना सर्च हो रहा है, इतनी बार टाइप किया जा रहा है ये। अब कंपटीशन का क्या मतलब होता है, कंपटीशन का मतलब होता है कि कितने लोग इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस कीवर्ड को लिया और अपनी वेबसाइट में टारगेट कर दिया। देखिए यहाँ पे कहीं भी मैंने टारगेट कर दिया। अब आपकी, आप भी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी लिए हुए हो, आप भी मुंबई में दे रहे हो, आप मेरे कॉम्पिटिटर हो, आपने भी यही कीवर्ड लगा दिया, सिखाने भी यही कीवर्ड लगा दिया, और चार लोगों ने यही कीवर्ड लगा दिया, तो उसका क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। सेम प्रोसेस, अब सब इसी कीवर्ड पे काम करने में लगे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका कंपटीशन बढ़ेगा, फिर ये कीवर्ड हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा थोड़ा सा रैंक करवाना, तो उसको हम बोलते हैं कंपटीशन। तो लो है, मीडियम है और हाई है। लो मतलब कि इसको बहुत कम लोग टारगेट कर रहे हैं, मीडियम मतलब कि इसको एवरेज लोग टारगेट कर रहे हैं, और हाई मतलब इसको बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो आपको उसमें से लो लेना है, मीडियम नहीं लेना है और हाई भी नहीं लेना। तो कभी भी हम वर्क स्टार्ट करेंगे हम अपना एसईओ में, तो हम जैसे 5 कीवर्ड एक पेज पे लगा सकते हैं, 5 से 7 कीवर्ड हम ले सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, ये 3 कीवर्ड या 4 कीवर्ड मैंने ले लिए,
और मैं इसको एक ही पेज पे टारगेट करूंगा, बट वर्क मैं सिर्फ एक कीवर्ड पे करूंगा जो मेरा सबसे लो कंपटीशन कीवर्ड होगा। ओके, बाकी कीवर्ड तो अपने आप रैंक करेंगे, बहुत स्मार्ट फील्ड है, आपको उसमें हर कीवर्ड पे काम करने की जरूरत ही नहीं होती, आप किसी एक कीवर्ड पे काम करो। तो लो लेने का रीजन क्या है? लो लेने का जो रीजन है टेक्निकली वो ये है कि अगर आप लो लेवल कीवर्ड लेते हैं तो आपकी वेबसाइट उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जल्दी रैंक करती है। तो गूगल की जो अभी एल्गोरिथम है, जैसे अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एल्गोरिथम वर्जन, वो है रैंक ब्रैंड। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लेना रैंक ब्रैंड, ये चल रहा है इसका। और ये इसका एक एआई बोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोट है ये इसका, ठीक है। तो इसका जो काम है ये क्या करता है, खुद से कमांडिंग लेता है, खुद से मतलब ये खुद ही डिसाइड करेगा कि किस किस कंडीशन में उसको वेबसाइट को किसको रैंक करवाना है किसको रैंक नहीं करवाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि वो कौन से फैक्टर चेक करेगा आपकी वेबसाइट में कि जिससे वो आपकी वेबसाइट को रैंक में लेके आएगा और रैंक से नीचे भी कर सकता है कभी भी। तो कुछ चीजें आपको हमेशा अपनी वेबसाइट में मेंटेन करके रखना है। आप एक हेडिंग डालिए सर्चिंग हिडन प्रोटोकॉल्स। क्या चीज सर? गूगल सर्चिंग हिडन प्रोटोकॉल्स या गूगल रैंकिंग हिडन प्रोटोकॉल्स। हिडन प्रोटोकॉल्स इसमें सबसे पहले आप लिखिए ऑर्गेनिक वैल्यू, ऑर्गेनिक वैल्यू नंबर वन। गूगल उन वेबसाइट को पहले रैंक करवाता है जिनकी ऑर्गेनिक वैल्यू ज्यादा होती है, ये क्या होगी इस पे बात करेंगे अभी हम। दूसरे नंबर पे लिखिए डेली टाइम ऑन साइट, डेली टाइम ऑन वेबसाइट या साइट। सेकेंड पॉइंट बाउंस रेट थर्ड नंबर पे, बाउंस रेट फोर्थ नंबर पे आप लिखिए कंटेंट क्वालिटी या क्वालिटी ऑफ कंटेंट। एंड लास्ट है नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक। ओके, तो अब ध्यान रखना गूगल इन इन चीजों को देख के आपकी वेबसाइट को जल्दी रैंक करेगा। जैसे सबसे पहले बोल रहा है डेली ऑर्गेनिक वैल्यू, जो मैंने आपको लिखवाया था, ऑर्गेनिक वैल्यू का क्या मतलब होता है कि सर्च इंजन से जो ट्रैफिक हमें मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जिन वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज्यादा होगा, जैसे सर्च इंजन में मैंने आपको बताया था डेमो क्लास के अंदर कि दो टाइप के रिजल्ट आते हैं, एक तो एड वाला आता है और एक फ्री वाला आता है। तो एड वाला जो होता है उसको पेड ट्रैफिक बोलते हैं, जो फ्री वाला आता है जिसने कीवर्ड से आपको सर्च किया हो बिना पैसे का और क्लिक किया उसको हमने बोला है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो जिन वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज्यादा होता है या ऑर्गेनिक वैल्यू ज्यादा होती है उन वेबसाइट को वो जल्दी रैंक करवाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो वेबसाइट है वो 7th नंबर पे चल रहा है फॉर एग्जांपल, और आज पूरे दिन में 20 लोग आए इस कीवर्ड को सर्च करके, 20 में से 10 लोगों ने हमारे वाले रिजल्ट पे क्लिक कर दिया तो हमारा ऑर्गेनिक वैल्यू बढ़ गया। अब हमने क्या लिखा, ऐसा कैसा टाइटल बनाया, मेटा डिस्क्रिप्शन या जो भी है, हमारे उस पे क्लिक कर गया। तो अब ऐसे ही कोई एवरेज टाइम उसका मंथली होगा या डेली होगा तो आपका जो ऑर्गेनिक वैल्यू है एज कम्पेयर टू बाकी 9 रिजल्ट से ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा आपकी वेबसाइट को ऊपर कर देगा क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक वैल्यू बढ़ गया। तो उससे उसने क्या जज किया कि लोग आपकी वेबसाइट को पसंद कर रहे हैं, वो लोगों को वो दिखाता है जो लोग पसंद करते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला नंबर वन ये, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका वेबसाइट ऊपर आ गया तो अब नीचे नहीं जा सकेगा, आपको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी उस पर कि क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। फिर क्या मॉनिटर करेगा वो कि यूजर आपकी वेबसाइट पे जाने के बाद कितना टाइम दे रहा। अब सपोज आप एक आर्टिकल, आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मुंबई, अब इसमें पढ़ने में यूजर को टाइम लग रहा है 5 मिनट, बाकी सबका एवरेज टाइम कितना जा रहा है 10 मिनट जा रहा है, आपका 5 मिनट जा रहा है, तो आपकी वेबसाइट को नीचे कर देगा वो, क्योंकि वो ये जज कर रहा है कि आपकी वेबसाइट को लोग विजिट करने के बाद ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, जल्दी आपकी वेबसाइट को वो स्विच कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ओके, तो उसको बोला है हमने डेली टाइम ऑन साइट। ओके, फिर आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी वो वहां से
आ रहा है। जैसे आपकी वेबसाइट के अंदर 10 पेज हैं और 10 पेज में से वो सिर्फ 3 पेज देख के आ गया, 30% आपका बाउंस रेट हो गया। अगर वो 9 पेज देख के आएगा 90% आपका बाउंस रेट हो गया। लेकिन बाउंस रेट को वो अलग अलग तरीके से काउंट करेगा, एक तो कितने नंबर ऑफ पेज देखे और एक पेज को इंडिविजुअली कितना टाइम दिया उसने। अब जल्दी जल्दी 10 पेज देख के आ गया वो भी नेगेटिव वाली बात हो जाएगी, तो उसको बोला है हमने बाउंस रेट। फिर उसके बाद आता है क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट मतलब कि आप ऐसा नहीं कि किसी भी वेबसाइट से आपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लिया और लगा लिया, आपका कंटेंट बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ओके, इसको हम बात करेंगे आगे कैसे यूनिक बनाते हैं। तो जिन वेबसाइट के यूनिक कंटेंट होते हैं और इन्फॉर्मेटिव होते हैं, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज कंटेंट होते हैं, उनको वो जल्दी रैंक करवाता है। तो ये सब फैक्टर्स अगर आप अपने माइंड में सेट करके चलोगे तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत स्मार्टली आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लोगे। और अगर ये फैक्टर आपने नहीं लगाए तो फिर आपको टाइम लग सकता है रैंक करवाने में। ओके, तो ये चीजें, इसीलिए मैंने आपको बोला कि हमने सबसे पहले लो कंपटीशन कीवर्ड लेंगे। क्यों? क्योंकि लो कंपटीशन कीवर्ड क्या होगा, मैं 5 कीवर्ड लगा रहा हूँ उसके अंदर, लेकिन मेरा लो कंपटीशन वाला जो कीवर्ड है, या आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने 5 कीवर्ड लगाए हैं तो आपके जो, हेलो वॉइस नहीं, हाँ, तो लोग, आपने एक वेबसाइट पे अगर 5 कीवर्ड लगाए हैं तो उनकी सबकी रैंकिंग अलग अलग आएगी। मतलब एक पेज पे आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई एक ही पेज पे लगाया, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मुंबई आपका सेकंड पेज पे आ रहा है, कंपनी आपका 6th पे आ रहा है और एक आपका 9th पे आ रहा है। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेकंड से फर्स्ट पे लाओगे तो वो 9th वाला 3rd पे अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पेज तो सेम ही है दोनों का। तो ये एक प्लस पॉइंट हमें मिल जाता है कि हम एक ही कीवर्ड पर काम करेंगे, बाकी अपने आप रैंक करेंगे। तो सबसे कम कंपटीशन वाला जो कीवर्ड है वो, मतलब लो वाला, उस पर मैं पहले वर्क करूंगा। तो जैसे ही ये फर्स्ट पे आएगा तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक वैल्यू अचीव करना स्टार्ट कर देगा, यूजर विजिट करेगा, डेली टाइम ऑन साइट हमारा बैलेंस होगा उससे, तो अपने आप गूगल आपके दूसरे कीवर्ड भी रैंक करवाना स्टार्ट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, इसको ध्यान रखना आप लोग। आपको मल्टीपल कीवर्ड्स पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ओके ओके, एक पॉइंट और बताया था, नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक, उसका मतलब ये होगा, वो हालांकि आगे समझेंगे हम उसको, दूसरी वेबसाइट से जाके हम अपने डोमेन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसको रेफरल लिंक देंगे। ये कीवर्ड, ये टूल है, इसके कुछ अल्टरनेट टूल भी मैं आपको बता देता हूँ जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वो कीवर्ड्स एवरीवेयर, इसका भी आप अगर यूज करना चाहें तो इसको कैसे यूज करें, ये एक एक्सटेंशन है जो आपको ब्राउजर में लगाना है। तो आप पहले इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेना और इंस्टॉल फॉर क्रोम, जैसे मेरे इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं एक बार फिर से लगा के बता देता हूँ आपको। देखिए एक्सटेंशन जैसे आप लोग लगाई लेते होंगे, इंस्टॉल फॉर क्रोम इंस्टॉल कर लीजिएगा। Add to Chrome, Add extension, देखिए ये अपने आप लग जाएगा। इसके बाद आपको Get API Key पे क्लिक करना है। मेल आईडी दे देना अपना, जिस मेल आईडी पे आपको एपीआई लेना है, तो वो मेल आईडी हमने दे दिया, एग्री किया, ईमेल भी, एपीआई की, इस पे क्लिक कर दो। तो ये आपको एक्सटेंशन लगाने के बाद आपको एक एपीआई लेनी पड़ेगी अपनी मेल आईडी पे, वो गेट एपीआई की पे आप क्लिक करोगे तो आपको मेल आईडी देगा। देखो ये मेल आ गया इसका, मेल ओपन कर लेना एंड उसके बाद प्लीज क्लिक हियर टू एक्सेस योर एपीआई, इस पे क्लिक कर देना। ये देखिए एक एपीआई आपको दे रहा है, ये इसके एपीआई को आप कॉपी करोगे एंड कॉपी करने के बाद आपने जो एक्सटेंशन लगाया है उसको ओपन कर लेना और उसके सॉरी उस एक्सटेंशन पे क्लिक करना, उसके जो सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन है उस पर विजिट करना।
और यहां पे उस एपीआई को पेस्ट कर देना। और वैलिडेट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा आपको कि आप जब एससीआरपी पे, मतलब ये सर्च इंजन पे ही कुछ सर्च, एससीआरपी का मतलब ये पेज होता है, इस पेज को हम टेक्निकली एससीआरपी बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो जब भी आप कुछ सर्च करोगे तो यहीं पे आपको वो आइडियाज देता रहेगा। देखो यहाँ पे वो आपको आइडियाज देता रहेगा। जो आपको अपने ब्राउजर में लगाना है। ठीक है, जैसे अभी आप ऐसे देखिए इसको, मेरे यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स के सजेशन दे रहा है ये, अभी आप लोगों के डिवाइस में नहीं आते होंगे ये। ओके, तो ये कैसे आ रहे हैं, कीवर्ड्स एवरीवेयर से आ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सबसे पहले क्या करना है, keywordseverywhere.com पे जाना है। उसकी जो वेबसाइट मैंने आपको नोट डाउन करवाई थी, अगर नहीं की हो तो आप कर लो, ये keywordseverywhere.com। फिर आपको एक्सटेंशन लगाना है। कैसे लगाएंगे, इंस्टॉल फॉर क्रोम का ऑप्शन दिया है, अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स कर रहे हैं तो फायरफॉक्स पे क्लिक कर देना। तो मैंने इंस्टॉल फॉर क्रोम पे किया, एक्सटेंशन अपने आप लग जाएगा, ये लग गया। अब ये वर्क तब करेगा जब आप इसको एपीआई से करोगे। एपीआई क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एपीआई वो पार्ट है इस फील्ड में, उसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, दो प्लेटफॉर्म को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। जैसे हमें रिजल्ट कहाँ देखना है, कीवर्ड का, गूगल पे देखना है। और कीवर्ड दिखाने का काम कौन कर रहा है, कीवर्ड्स एवरीवेयर कर रहा है। तो गूगल इसको परमिशन क्यों देगा यहाँ पे कीवर्ड शो करने की, तो उसके लिए एपीआई लगेगी ताकि गूगल इसको परमिशन दे दे। जैसे आपने वो ट्रिवागो का नाम सुना होगा, वो होटल कंपैरिजन की एक वेबसाइट है, वो रेट कंपैरिजन कर देती है किसी भी वेबसाइट का, तो उसको कैसे पता लगता है कि वहां पे अपडेट हो गया, उन लोग एपीआई यूज करते हैं। तो एपीआई काफी पावरफुल टूल होता है इस फील्ड में। ओके, तो ये क्या है कि प्लग एक्सटेंशन लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, गेट एपीआई का जो ऊपर ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करना है। जब तक एपीआई नहीं लगाओगे आपका ब्राउजर वर्क नहीं करेगा। और अपनी मेल आईडी दे देना उसको यहाँ पे, और आपकी मेल आईडी पे ईमेल में एपीआई, तो वो आपको मेल करेगा। मेल में यहाँ पे दिया हुआ है उसने, प्लीज क्लिक हियर टू एक्सेस योर एपीआई, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एपीआई वो आपको दे रहा है। इस एपीआई को आप कॉपी कीजिएगा, और कॉपी करने के बाद अपने उस एक्सटेंशन को ओपन कर लेना, सेटिंग्स में जाना, और यहाँ पे वो एपीआई वैलिडेट कर देना। ओके, ठीक है। तो इससे ही प्लस पॉइंट ये होगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी आपको कीवर्ड प्लानर पे जाना हो चाहे नहीं जाना हो, नॉर्मली भी आप कुछ भी सर्च करते रहोगे तो एक कीवर्ड का आइडिया आपको मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ वो आपको बताता रहेगा। देखो यहाँ भी बता रहा है, इधर नीचे भी बता रहा है, कीवर्ड के आइडियाज आपको देता रहेगा। तो एक थोड़ा सा मार्केट में बने रहते हैं हम। एक टूल ये वाला भी अच्छा है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, keywordtool.io। देखो अब नॉट ओनली फॉर गूगल, अपन जैसे अमेजोन पे कुछ चीज सर्च कर रहे हैं, अमेजोन का भी एसईओ होता है। आप जैसे अमेजोन पे कुछ प्रोडक्ट खरीदना है या आपको बेचना है अमेजोन पे, तो यहाँ पे भी लोग कीवर्ड से सर्च करते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया लैपटॉप बैग मुझे बेचने हैं, तो मुझे ये पता लगाना है कि कैसे लोग इसको सर्च कर रहे हैं, रैंकिंग की प्रोसेस यहाँ भी होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट को कैसे रैंक करवाएंगे। बट उससे पहले कि लोग यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को लेके सर्च क्या कर रहे हैं अमेजोन पे, तो देखो ऑटो कंप्लीट यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, तो इसमें फिर आप उस हिसाब से सर्च कर ले। अमेजोन के कीवर्ड निकालने तो अमेजोन, यूट्यूब से तो यूट्यूब, अभी गूगल की बात कर रहे हैं तो मैंने गूगल पे यहाँ पे भी वो कीवर्ड दे दिया। ये देखिए, ये भी आपको कीवर्ड सजेस्ट करके देगा।
ठीक है। तो ये कुछ टूल है जिनका आप यूज कर सकते हैं, बट इसमें जो प्राइमरी है तो वो आपका गूगल कीवर्ड प्लानर है, उस पर हमें अच्छे से प्रैक्टिस रखना है। चलिए अब इसमें नई चीज समझते हैं, नया है इसमें डिजाइनिंग पार्ट। देखो अभी हमने जो वेबसाइट बनाई है इसका लुक एंड फील उतना अच्छा है नहीं अभी, तो अपने को अगर इसको डिजाइन करना है, जैसे ब्लॉगर की भी बात चल रही है, तो अभी आपने जो वेबसाइट बनाया इसको अगर हम व्यू कर रहे हैं यहाँ से, देखिए बिल्कुल बेसिक सा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके जाना है। तो डिजाइनिंग के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, थीम और लेआउट। तो हमें थीम में जाना है, थीम लगाने के उसके डिजाइनिंग करने के आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप कोडिंग में जाके कर लें एडिट एचटीएमएल, या फिर हम ब्लॉगर की डिफॉल्ट थीम यूज कर लें यहाँ से, ओके, या फिर थर्ड पार्टी से हम लेके आ जाए, मतलब इंटरनेट वगैरह से भी हम थीम ला सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन रहेगा इसमें रिस्टोर वाला, जो हमारे काम का है। अब ब्लॉगर की जो थीम है इसमें जैसे कोई भी थीम हमने लगाई, बट ये भी उतनी अच्छी थीम नहीं होती है, बेसिक सी थीम है। जैसे मैंने ये लगा के इसको अप्लाई कर, कलर वगैरह आपको चेंज करने हैं तो आप कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से। देखिए तो उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस कर लेंगे, अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जैसे कोडिंग आती है तो आपकी जैसे थीम है उसकी पूरी कोडिंग आपको यहाँ दिख जाएगी। एडिट एचटीएमएल पे गए हम और यहाँ पे इसकी पूरी कोडिंग दिख जाएगी ये। अगर कोडिंग आती है तो आप कोडिंग में जाके भी चेंजेस कर सकते हैं, बट हमें कोडिंग भी नहीं आती है और हमें ब्लॉगर की थीम भी नहीं चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन है कि हम गूगल से लेके आएंगे। तो आप क्या करना, गूगल पे जाके यहाँ टाइप करना ब्लॉगर थीम। तो काफी सारी वेबसाइट हैं जो ब्लॉगर की थीम देती हैं, फ्री पेड सब मिल जाएंगी आपको। मैं आपको दो प्लेटफॉर्म बता देता हूँ जहां से आप डायरेक्टली ले लेना, पहला है ब्लॉगर थीम 9.com, दूसरा है गुआबी टेम्पलेट्स। ये दो आप लिख लीजिए, एक तो ब्लॉगर थीम 9 और एक गुआबी टेम्पलेट्स। ये आपको ब्लॉगर की थीम देते हैं, बनी हुई थीम रहती है इनके पास, आप उसका यूज कर सकते हैं। ब्लॉगर थीम 9 एंड गुआबी टेम्पलेट्स। अब देखिए इसमें थीम काफी सारी थीम दी हुई है, तो कैसे डिसाइड करेंगे हमें कौन सी थीम लगाना। सबसे पहले आपको आपकी रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, ब्लॉगिंग करना है तो आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड थीम लेना, और अगर आपको सर्विस की वेबसाइट बनानी है तो आपको सर्विस से रिलेटेड वेबसाइट। जैसे ये देखिए ये सर्विस की है, जिसमें आर्टिकल आपको दिख रहे हैं वो सब आपके ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, ओके। तो इस तरीके से हम इसमें जज कर सकते हैं कि कौन सी थीम लेना चाहिए कौन सी थीम नहीं लेना है। तो ये इस तरीके से आपको इसमें काफी सारी थीम दिख रही है, इसमें भी मोर करोगे तो और आपको दिख जाएगी, ओके। आपको फिल्टर लगाना है तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं। देखो अब जैसे कोई भी थीम हमें पसंद आ रही है, ये वाली अच्छी लग रही है तो मैंने इस पर क्लिक किया, और यहां से
डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, बाय का भी दे रहा है और लाइव प्रीव्यू का। तो थीम को लगाने से पहले हम एक बार उसको लाइव प्रीव्यू कर लेंगे कि इस थीम को हम लगाते हैं तो कैसी दिखेगी। ये लाइव प्रीव्यू किया, देखो ये कुछ ऐसी दिखेगी, प्रोफेशनल लुक आ जाएगा पूरा इसका अच्छा खासा। अब हमें जम गई कि हाँ अच्छी लग रही है, इसको लेना है तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। बाय और डाउनलोड में डिफरेंस क्या है, फिटर क्रेडिट कि नीचे क्रिएटेड बाय, पावर्ड बाय ये सब आ जाता है, सोरा टेम्पलेट, तो ये हट जाएगा बस और बाकी कोई डिफरेंस नहीं। तो हम तो फ्री वाला ले लेंगे, डाउनलोड किया। अब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ध्यान रखें ये आपको जिप फोल्डर में डाउनलोड करके देगा, तो आपको पहले इस जिप को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कहीं भी इसको अपने फोल्डर में रख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया इसको, आपको एक्सट्रैक्ट करना है इसको। जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका फोल्डर बाहर आ जाएगा और इसमें से बहुत सारी फाइल आपको दिखेंगी। इसमें जो हमारे काम की है वो है XML फाइल, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। जिस पे आपको XML दिख रहा है वो फाइल हमारे काम की है, और इस फाइल को आप अपने ब्लॉगर में अपलोड करवा दो। देखो कहाँ से करवाएंगे, वही थीम में गए, कस्टमाइज में, रीस्टोर, क्रिएटिव्स, इन्फिनिटी फ्री, और इसमें से ओनली XML फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक चीज और कि दूसरी थीम अगर आप ला रहे हो तो लाने से पहले एक बार बैकअप ले लेना ऊपर वाला। तो जैसे आप बैकअप पे क्लिक करोगे, एक मिनट ये हो जाए मैं बताता हूं, हाँ बैकअप पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, करंट थीम जो है आपकी उसको भी XML में डाउनलोड करके दे देगा। तो इन केस अगर जैसे हमें नहीं पता उसने थीम सही बनाई कि नहीं बनाई, अगर उसने गलत कोडिंग की तो हमारा पुराना थीम भी चले जाएगा। तो अगर आप बैकअप ले लेते हो तो ये जो बैकअप है ये भी आपका XML में डाउनलोड हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस बैकअप को आप फिर से रिस्टोर कर देना तो आपका प्रीवियस पोजिशन में चले जाएगा। अब आप इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लें, ये वेबसाइट देखनी कहाँ से होती है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, व्यू ब्लॉग पे, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देखिए पूरा चेंज हो गया इंस्टेंट हमारा वेबसाइट। ठीक है तो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डेमो कंटेंट। इसने क्या किए हैं, इसने डेमो कंटेंट लगा के रखे हुए हैं ये देखिए पूरे। अब हमें इस डेमो कंटेंट को हटा के अपना कंटेंट लगाना, जैसे आप एप डिजाइनिंग दे रहे हो, वेब डिजाइनिंग मैंने यहाँ कर दिया, SEO सर्विसेस, यहाँ मैंने SEM सर्विसेस, सोशल मीडिया सर्विसेज, ये लोगो वगैरह ये भी हट जाएंगे, नीचे टीम मेंबर्स के जो फोटो आ रहे हैं ये भी हट जाएंगे, मतलब सारी चीजें आप इसमें से हटा सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, और एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपकी बन जाएगी बिना होस्टिंग के। आपका होस्टिंग का पैसा बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि होस्टिंग तो फिर दे ही रहा है हमें गूगल। ओके तो ये कैसे करेंगे ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताता हूँ, तो यहाँ तक आप लोग करिएगा इसको। तो इसको सबको एडिट कर सकते हैं, पूरा वेबसाइट आप कलर वगैरह सब चेंज कर दोगे आपको बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट बन जाएगा ये। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी, हाँ जी, सिखा क्लियर हो गया आपको? क्लियर है, क्लियर है ना? ठीक है, तो कल ईद है तो कल क्लास नहीं रहेगा, सैटरडे को भी नहीं रहेगा, संडे को भी नहीं रहेगा, मंडे को रहेगा आप लोगों का डायरेक्ट,
तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जितना भी हमने कर लिया है पूरा रिवाइज कर लेना, तो जितने भी डाउट होंगे पहले हम उस पर बात कर लेंगे, और एक क्लास और ले लो साथ में मंडे की, वो भी छोटी क्लास ही रखेंगे हम, नया टॉपिक ले लेंगे फिर थ्योरेटिकल। ओके, सिर्फ ये थीम को कैसे एडिट वगैरह करना है, और फिर उसके बाद सिखा, आपका जो क्लास चल रहा है आप उसमें रेगुलर रहिएगा फिर। और सर आपका जो इंडिविजुअल वाला सेशन है आपका इंडिविजुअल स्टार्ट होगा। सर कल का वीडियो मिल सकता है? मिल जाएगा, बट मैं कैसे दूं यार, मेरे पास वीडियो तो कल का भी है, आज का भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। आज का तो मैंने कल लिया, देखो अभी मेरी तरफ रिकॉर्डिंग चल रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 500 MB के वीडियो बनते हैं, इसके मैं ट्रांसफर कैसे करूं आप लोगों को? मेल पे हो जाए तो। मेल पे नहीं होगा सर, मेल पे क्या है कि वो गूगल ड्राइव में अपलोड करता है और गूगल ड्राइव ने अभी पेड कर दिया है अपना। अच्छा अच्छा। हाँ, और इतना बड़ा डाटा अभी घर से सर्वर पे अपलोड करना बहुत चैलेंजिंग है। सही बात। अभी आप फिजिकली होते तो मैं पेन ड्राइव से दे देता, पर ठीक है मैं स्टोर करके रख रहा हूँ, आप लोग जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तो पेन ड्राइव में ले लेना। ठीक है चलिए। ओके ओके सर, ओके, गुड नाइट सर।